हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वन डे लॉ रिविजन मॉड्यूल थ्री प्रमोटर्स सिक्योरिटीज डिबेंचर्स सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द सिनॉपसिस फर्स्ट प्रमोटर्स की प्रमोटर्स होते कौन है उनका कंपनी के साथ रिलेशनशिप क्या है वॉट आर द ड्यूटीज़ देर लाइबिलिटीज प्रॉस्पेक्टस क्या होता है प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है बट हम उसको डिटेल में देखेंगे कि ये ऑफर डॉक्यूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं कंपनी कब इशू करती है एंड सो so ऑन शेयर्स कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं शेयर का टर्म क्या है उसका मीनिंग क्या है नेचर क्या है देन काइंड ऑफ शेयर की हमने देखा कि शेयर कैपिटल के टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस इक्विटी सो विल स्टडी दैट इन डिटेल फिर सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट कैसे होता है वॉट इज़ द शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर्स कैसे इशू होते हैं देन शेयर सर्टिफिकेट उसके बाद शेयर होल्डर्स जो हमारे शेयर्स होल्ड करते हैं दो ज्यादा शेयर होल्डर्स दैट इज़ ओनर्स मेम्बर्स ऑफ द कंपनी उनका वोटिंग राइट एंड दे कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र शेयर्स फिर उसके बाद शेयर कैपिटल काइंड ऑफ शेयर कैपिटल पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल फिर बाई बैक ऑफ शेयर की कंपनी खुद के शेयर बाई बैक कर रही है फिर उसके बाद डिविडेंस जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं ऑन दी अमाउंट ऑफ शेयर दे होल्ड फिर उसके बाद डिबेंचर्स मीनिंग्स काइंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे कि प्रमोटर कौन होते हैं प्रमोटर वो होते हैं जो स्टार्टिंग में जिनके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कि वो कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं मीन्स लाइक माइंडेड लोग यानी कि प्रमोटर साथ में आके एक ग्रुप फॉर्म करके कुछ फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करके एक कंपनी फॉर्म करते हैं so, सो जो स्टार्टिंग में जो लोग इनिशिएट करते हैं दोज आर प्रमोटर्स तो कंपनी के प्रमोशन में जो लोग हेल्प करते हैं या जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या कंपनी को एग्जिस्ट exist करना एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं कंपनी के थ्रू हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो जो कंपनी का प्रमोशन करते हैं है द सिक्योरिटीज ऑफ देम जनरेट कैन आल्सो बी अ प्रमोटर अब कंपनी नाइन डिफाइन करता है प्रमोटर प्रमोटर मींस अ पर्सन हुज नेम हैज बिन मैंशन इन द प्रोस्पेक्टर्स प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टर्स में मैंशन किया है एज अ प्रमोटर और इज आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न की प्रमोटर वो है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है या तो फिर एनुअल रिटर्न में हमने जिसको प्रमोटर बोला है दैट पर्सन विल बी प्रमोटर सेकेंड पॉइंट है एनी पर्सन हु हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अब कंट्रोल क्या है कंट्रोल को डिफाइन किया है सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी सेवन में कंट्रोल मतलब कि तुम कंपनी में मैनेजरल डिसीजन लेने का पावर रखते हो या यू हैव द राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स या थ्रू शेयर होल्डिंग पैटर्न तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हो देन आर द प्रमोटर उसके बाद प्रमोटर वो है ऑन हुज एडवाइस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कस्टमड टू एक्ट मतलब प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम हमने प्रोस्पेक्टस में देखा नेम हैज बिन मैंशन इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नाइंटी टू फिर एनी पर्सन हु डिरेक्टली और इनडिरेक्टली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेदर एज अ स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डिंग से या तो एज अ डिरेक्टर और दूसरा पॉइंट था और हुज इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कस्टमड टू एक्ट मतलब प्रमोटर वो इंसान है परफॉर्म ज वेरियस प्रेप्स लाइक का मार्केट कैपिटल रेस करना एंड देन डूइंग द बिजनेस बट इफ अ पर्सन इज डूइंग दिसल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर मतलब अगर पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहे हैं मतलब ही इज गोइंग टू चार्ज दॉर दैट एज अ प्रोफेशनल तो फिर ही इज नॉट द प्रमोटर फॉर द कंपनी अब फंक्शंस ऑफ प्रमोटर की प्रमोटर के फंक्शंस क्या है वन ऑफ़ द मेन फंक्शन इज टू कॉम्प्रीहेंड द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन मतलब जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया था तो जो आइडिया आया है उसको कॉम्प्रीहेंड करना मतलब एग्जीक्यूट करना दैट इज़ प्रमोटर प्रमोटर लुक्स इन टू द वाइबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया दैट वेदर द फॉर्मेशन विल बी प्रॉफिटेबल अब आइडिया तो आ गया बट उसको एग्जीक्यूट करने के पहले हम देखेंगे कि वेदर वेदर इज इट फिजिएबल कि ये हमने एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट में रहेगी या नहीं मतलब द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट प्रैक्टिकेबल है या नहीं है मतलब इफ इट्स इम्प्रैक्टिकेबल दो वी कैन नॉट स्टार्ट अ कंपनी उसके बाद एक बार आइडिया कंसीव होने के बाद प्रमोटर कलेक्ट्स एंड द रिसोर्सेज अब आइडिया तो आ गया डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ प्रॉफिटेबल हमको करना है तो अब रिसोर्सेज कलेक्ट करो रिसोर्सेज में कैपिटल रिसोर्सेज है फंड रेजिंग है अदर रिसोर्सेज है एसेट्स है मशीनरी है सो so हमको अब सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करना है मैन पावर है प्रमोटर डिसाइड्स द नेम ऑफ द कंपनी प्रमोटर कंपनी का नाम डिसाइड करेगा एंड ऑल्सो सेटल द कंटेंट रिगार्डिंग द ए ओ एम ओ ए हमने फॉर्मेशन में देखा था पिछले मॉड्यूल में कि फॉर्मेशन के टाइम पे हमको कंपनी का नाम आर ओ सी को देना पड़ता है फिर उसमें से हम एक नाम सेलेक्ट करेंगे एंड देन टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एम ओ ए प्रमोटर इज द वन हु डिसाइड्स द हेड ऑफिस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा वो भी प्रमोटर डिसाइड करेगा फिर प्रमोटर ऑल्सो नॉमिनेट्स पीपल और एसोसिएशन ऑफ वाइटल पोस्ट प्रमोटर में अपॉइंट द बैंकर्स ऑडिटर्स डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जब शेयर होल्डर्स नहीं होते ए जी एम नहीं होता है तो जब पहली बार डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो उसके राइट्स भी प्रमोटर के पास है प्रमोटर ऑल्सो प्रिपेयर्स ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू इन अ कंपनी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के इन में लगेंगे वो सारे प्रमोटर प्रिपेयर करेगा पिछले मॉड्यूल में हमने प्री इनकॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक कंसेप्ट देखा था उसमें देखा था कि इन के पहले जहाँ भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रमोटर एग्जीक्यूट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी तो वो काम भी प्रमोटर का है अब ड्यूटीज प्रमोटर्सू फॉर्म द कंपनी है बेसिक ड्यूटीज क्या है रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट विद द कंपनी फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कीपिंग दिस फ्यूडिशरी रिलेशनशिप एंड माइंड प्रमोटर इज अंडर दब्लीगेशन टू डिस्कलोज ऑल मटीरियल फैक्ट्स विच रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी प्रमोटर का काम है कि कंपनी रिलेटेड जो भी मटीरियल फैक्ट्स है वो डिस्कलोज करे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन डिस्कलोज टू होम टू द रजिस्ट्रार जब हम फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद प्रमोटर इज ऑल्सो अंडर दिय ऑब्लिगेशन टू नॉट टेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर ने कंपनी से कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं निकालना चाहिए वाइल्ड कैरिंग आउट प्रमोटिंग एक्टिविटीज मतलब स्टार्टिंग में जब इनिशियली एक्टिविटी है लाइक यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी या यू आर सेलिंग इट टू द कंपनी फॉर प्रॉफिट तो इसका मतलब क्या कि प्रमोटर ने प्रॉपर्टी हंड्रेड रुपीज़ में ही बाय की थी बट उसने कंपनी को सेल करते टाइम पे वन ट्वेंटी की तो so, इसमें प्रमोटर का जो ट्वेंटी रुपीज का सीक्रेट प्रॉफिट है प्रमोटर ने ऐसे नहीं करना चाहिए प्रमोटर इज नॉट बार फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट्स वेल डीलिंग द वेरियस पार्टीज द ओनली कंडीशन इज दैट ही इज अंडर द ड्यूटी टू डिस्क्लोज सच प्रॉफिट प्रॉफिट ले सकता है प्रमोटर प्रॉफिट ने प्रमोटर ने प्रॉफिट बनाना चाहिए बट ही शुड डिस्क्लोज इट टू अथॉरिटी ही शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट फिर है लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर प्रमोटर हैज़ टू मैंशन द ट्रू फैक्ट्स इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी जब प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहा है तो उसको कंपनी रिलेटेड सारे ट्रू फैक्ट्स मैंशन करने हैं इफ़ इट डज नॉट डू सो ही मे बी हेल्ड लाइबल अगर ऐसा नहीं हुआ तो ही मे बी हेल्ड लाइबल क्यों क्योंकि प्रॉस्पेक्ट्स के बेसिस पे शेयर होल्डर सिलाई करते और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते तो अगर ट्रू फैक्ट्स नहीं है मीन्स आर गेटिंग चीटेड तो फिर उस केस में प्रमोटर विल बी हेल्ड लाइबल लाइबल क्यों? फॉर द अनट्रू स्टेटमेंट विच हैव बिन मेड इन द प्रोस्पेक्टस और उस अन स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी पर्सन ने सब्सक्राइब किया टू तो द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी तो वो पर्सन प्रमोटर को डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है उसको सू कर सकता है फिर अपार्ट फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो जाती है कैसे अगर अनट्रू स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में तो सीवियर पेनल्टी विल बी इम्पोज ऑन हिम इफ़ यू प्रोवाइड्स एनी अनट्रू स्टेटमेंट विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग कैपिटल अगर अनट्रू स्टेटमेंट है तो सिविल लाइबिलिटी तो है ही कि डैमेजेस तो क्लेम करेंगे बट कंपनी उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी भी देती है और उस पर पेनल्टी इम्पोज करती है प्रमोटर कैन बी मेड लाइबल टू पब्लिक एग्जामिनेशन इफ़ देर आर एनी रिपोर्ट्स विच आई लाइक फ्रॉड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी अगर कोई रिपोर्ट मिली है कि कंपनी के फॉर्मेशन में फ्रॉड फ्रॉड हुआ था प्रमोटर ने कुछ फ्रॉड किया तो फिर ही विल बी लाइबल टू पब्लिक एग्जामिनेशन उसका एग्जामिनेशन होगा कंपनी कैन ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट द प्रमोटर इन केस दैर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी है तो कंपनी प्रमोटर के अगेंस्ट प्रोसीड करेगी ऑन द प्रमोटर्स पार्ट और ही हैज मिस अप्रोप्रेटेड एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और इज गिली ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या तो वो गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या उसने कोई कंपनी के प्रोपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया या उसकी ड्यूटी को ब्रीच किया तो फिर कंपनी प्रमोटर के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है मतलब प्रमोटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है आफ्टर दैट वॉट इज प्रोस्पेक्ट एंड काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट अब कंपनी का सेक्शन टू सेवेंटी डिफाइन करता है प्रोस्पेक्टस टू सेक्शन सेवेंटी हमने प्रमोटर देखा था टू सबसेक्शन सिक्सटी नाइन अब है टू सेवेंटी प्रॉस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस कैन बी डिफाइंड एज एज पर डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हमने एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया है एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एक्टिंग एज एन इन्विटेशन टू ऑफ़र ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो एज ए इन्विटेशन टू ऑफर एक्ट कर रहा है फ्रॉम दी पब्लिक कि हम पब्लिक को इन्विटेशन टू ऑफर दे रहे हैं क्या की यू सब्सक्राइब टू आर शेयर्स तुम हमारे शेयर्स का एप्लीकेशन दो एंड व्हेन जब शेयर होल्डर्स वो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं मतलब वो कंपनी को ऑफर दे रहे हैं कि यू गिव अर शेयर्स और फिर अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही तो है तो कंपनी हमें शेयर देती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब अलॉटमेंट तो दिस इज प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू ऑफर फिर मेंबर्स कंपनी को ऑफर करेंगे कि हमको शेयर्स चाहिए एंड वेन कंपनी विल अलॉट दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अब सच एन इन्विटेशन टू ऑफर शुड बी फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी कि कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी परचेज करने के पहले कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करेगी दैट इज अ इनविटेशन टू ऑफर कि तुम हमारी कंपनी की या बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी परचेज करो शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स एंड रेड हरिंग प्रोस्पेक्टर आर एज ऑल्सोक्टस ये प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड एसेंशियल्स फॉर अ डॉक्यूमेंट टू बी कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस अब एसेंशियल्स क्या है डॉक्यूमेंट शुड द सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक ऑब्वियसली पब्लिक से सब्सक्रिप्ट पब्लिक को इन्विटेशन देना है कि यू सब्सक्राइब आर शेयर मतलब दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर एन बीटेशन टू ऑफर और इट शुड इनवाइट डिपॉजिट या तो तुम सिक्योरिटी ले रहे हो या तो डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हो इन्विटेशन शुड बी मेड टू पब्लिक

शेल्फ़ प्रोस्पेक्टस क्या बोला है जब कंपनी को लगता है कि कंपनी एक साल में एक से ज़्यादा बार इशू करना चाहती है मतलब एक से ज़्यादा बार कंपनी लोगों से पैसे मंगाने वाली है सिक्योरिटीज इशू करने वाली है तो हर बार प्रोस्पेक्ट्स बनाना और उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करना और फिर मेंबर्स को इशू करना ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड कॉस्ट तो उस केस में कंपनी क्या कर रही है एक शेल्फ प्रॉस्पेक्ट्स इशू कर रही है मतलब उसका लाइफ है वो वैलिड रहता है टिल अ ईयर मैक्सिमम फॉर अ ईयर मतलब एक साल तक तुम कितनी भी बार इशू ला सकते हो एंड यू डोंट हैव टू गिव द प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन टू द मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स तो अब हम देखते हैं कि क्या डिफाइंड किया शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय पी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी और बैंक फॉर वन और मोर इशू एक या एक से ज़्यादा इशू के लिए हम शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इशूड द ईश्वर डज नॉट नीड टू इशू शेल्फ सेपरेट प्रोस्पेक्ट फॉर ईच ऑफरिंग कि हर बार जब भी ऑफर हो रहा है ईश्वर को बार बार एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वो बार बार ऑफर ला सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर ही कैन ऑफर और सेल्फ सिक्योरिटीज़ विदाउट ईशंग फर्दर प्रोस्पेक्ट मतलब इससे हमारा काम ईजी हो गया अब सेक्शन थर्टी वन बात करता है शेल्फ प्रोस्पेक्ट की रेगुलेशन आर टू बी प्रोवाइडेड रेगुलेशन से भी प्रोवाइड करेगा कि उसमें क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं फॉर एनी क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज दैट में फाइल अ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर कि पहले टाइम तुमको क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करने हैं और किस किस को सबमिट करना है किसको इशू करना है ये रेगुलेशन से भी पास करेगा उसका वैलिडिटी है एंड इट शैल नॉट एक्सीड वन ईयर कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस का एक लाइफ रहेगा वैलिडिटी पीरियड रहेगा बट वो एक साल से ज़्यादा नहीं हो सकता तो मैक्सिमम वन ईयर तक तुम कितने भी बार 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 इशू ला सकते हो ऑफर ला सकते हो बट उसके लिए तुमको सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है पीरियड कब कमेंस हो रहा है ओपनिंग डेट ऑफ फर्स्ट ऑफर मतलब जहाँ से फर्स्ट ऑफर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से तुम लोग का टाइम स्टार्ट होता है विच विल नॉट एक्सीड वन ईयर फॉर एनी सेकेंड ऑफ फर्दर ऑफर नो सेपरेट प्रॉस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड अब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है अब नॉर्मली क्या होता है कि अब एक साल का वैलिडिटी है बट कंपनी में कुछ मटेरियल चेंजेस हो जाएगी कंपनी ने कोई बड़ा लोन ले लिया या कुछ बड़ा एक्सपेंशन प्लान है जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स चेंज हो रहे अफेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में कंपनी प्रॉस्पेक्टस न फाइल करते हुए एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेगी जिसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग द न्यू चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट डी एसेट ऑफ द कंपनी या कंपनी ने कुछ लोन ले लिया है तो वॉट चेंजेस हैव अंडर गोन इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी सिंस द फर्स्ट ऑफर और बिटवीन ऑफर हैज़ टू बी फाइल्ड तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जहाँ मटेरियल चेंजेस जहाँ कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस है या कोई एसेट पे न्यू चार्ज क्रिएट हुआ है ये हम लोग फाइल कर, फ़ाइल करेंगे कब से फर्स्ट ऑफर से लेके तो अगले ऑफर में सेकंड ऑफ़र या सब्सिक्वेंट ऑफर में जो भी चेंजेस है ड्यूरिंग दिस वन पीरियड वन ईयर वो हम लोग इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में फ़ाइल करेंगे When any company or a person has received an application for allotment with advance payment of subscription, जहाँ company या उस has received an application for allotment with advance, तो फिर then he must be informed about the change. अगर allotment में application money के साथ advance में मिला है तो उसको हम inform करेंगे If he desires to withdraw, तो फिर वो पंद्रह दिन के अंदर withdraw कर सकता है और हम उसका amount refund कर देंगे Information memorandum has

कंप्लीट पर्टिकुलर्स मतलब कि क्या प्राइस पे शेयर इशू करना है और कितनी सिक्योरिटी इशू करना है अगर ये नहीं पता है तो दैट इज रेडरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ सिक्योरिटी वैन इट इज प्रपोजिंग टू मेक अ ऑफर जब कंपनी प्रपोज कर रही है ऑफर करने का प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तब कंपनी रेडरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे मतलब एक्चुअल प्रोस्पेक्ट्स इशू करने के पहले जब कंपनी जानती नहीं है कि कितने प्राइस पे इशू करना है और कितने शेयर्स इशू करना है तब कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स इशू करेगी ये हम रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे एटलीस्ट थ्री डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ ऑफर एटलीस्ट तीन दिन पहले हम रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे ऑब्लिगेशन कैरीड बाय रेड रेडहरिंग प्रॉस्पेक्टर आर सेम एज प्रोस्पेक्ट ठीक है इफ़ देर इज अ वेरिएशन बिटवीन अ रेड रेडहरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड अ प्रॉस्पेक्टस देन इट शुड बी हाईलाइटेड मतलब रेड रेडहरिंग प्रोस्पेक्टस तो हमारे प्रॉस्पेक्टस के पहले हमने इशू किया था जब हमको प्राइस और क्वान्टिटी नहीं पता थी उसके बाद हमने जब प्रॉस्पेक्ट्स इशू किया तो वो दोनों में जो भी वेरिएशन है हम उनको हाईलाइट करके दिखाएंगे कि पहले जो रेड रेडहरिंग प्रॉस्पेक्टस था और अभी जो प्रॉस्पेक्टस फाइल हुआ है उसमें कुछ वेरिएशन है वैन दी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज क्लोजेस जब ऑफर क्लोज होता है देन प्रोस्पेक्टस हैज़ टू स्टेट द टोटल कैपिटल रेज अब ऑफर क्लोज होने के बाद तो टोटल कैपिटल कितना रेज हुआ बाय वे ऑफ डेट या शेयर कैपिटल वो हमको कंपनी के सामने एनक्लोज करना पड़ेगा इट ऑल्सो हैज़ टू स्टेट द क्लोजिंग प्राइस कि क्या प्राइस पे क्लोज हुआ था एनी अदर डिटेल्स विच हैव नॉट बिन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस और ऐसी सारी डिटेल्स जो हमने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं की थी नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार एंड सी बी एप्लीकेंट और सब्सक्राइबर हैज़ राइट अंडर सेक्शन सिक्सटी बी सब सेक्शन सेवन टू विड्रॉ देशन ऑन एनी इंटीमेशन ऑफ वेरिएशन विद इन सेवन डेज ऑफ सच इंटीमेशन की जो भी वेरिएशन को हम हाईलाइट कर रहे हैं अगर एप्लीकेट चाहता है कि वो विद्रॉ कर दे इज नॉट सेटिस विद द वेरिएशन तो वो सात दिन के अंदर विड्रॉ कर सकता है एंड ही शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग अगर वो विड्रॉ करना चाहता है वो सात दिन के अंदर कंपनी को इन राइटिंग कम्युनिकेट कर देगा थर्ड टाइप इज अब्रीज प्रोस्पेक्टर सेक्शन थर्टी थ्री अब्रीज प्रोस्पेक्टस इज अ समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल्ड बिफोर द रजिस्टर ये समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस है मतलब इट कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बट इट इज इन ब्रीफ शॉर्ट में ताकि जो इन्वेस्टर्स क्विकली रीड करना चाहते हैं एंड जो पूरा इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करते उनके लिए अब्रीज प्रॉस्पेक्टस होता है

सोच समझ के डिसीजन लेगा एंड इट ऑल्सो रेड्यूस कम होगा कि नॉर्मल काफी बल्कि होता है एज इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टर्स इट इज समरी अब है डीम्ड प्रोस्पेक्टर्स सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव वेन एनी कंपनी टू ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू पब्लिक अलॉट और अग्रीज टू अलॉट सिक्योरिटी द document विल be कंसिडर्ड एज डीम्ड prospectus. जब कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटी तो जो भी डॉक्यूमेंट इशू है दट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस थ्रू विच द ऑफर इज मेड टू द पब्लिक फॉर सेल कि पब्लिक को हमने सेल के लिए जो भी डॉक्यूमेंट दिया है दैट विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस. डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉर ऑल पर्पज एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ कंटेंट एंड लाइब्रिटीज ऑफ प्रॉस्पेक्टस विल भी अपलाइड अपॉन इट जो भी डॉक्यूमेंट हमने ड्यूरिंग द ऑफर इशू किया दैट विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्ट के जो भी प्रोविजन है उसको लग जाएंगे इन द केस ऑफ सेबी वर्सेस कुनाकुलम पेपर मिल्स लिमिटेड इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट वेर राइट इशू इज मेड टू द एक्स्टिंग मेंस विद राइट टू रिनाउंस इन द फेवर ऑफ अदर इट बिकम्स डीम्ड प्रोस्पेक्टस इफ द नंबर ऑफ सच अदर एक्सीड्स फिफ्टी क्या बोला है कि अगर एग्जिस्टिंग मेम्बर्स को राइट right इशू चल रहा है एंड दे इज राइट टू अनाउंस मतलब तुम वो बेच सकते हो किसी को तो फिर जो डॉक्यूमेंट में ये सब इंक्लूड किया है दैट विल भी डीम्ड प्रॉस्पेक्ट्स हमने चार टाइप के प्रोस्पेक्टस देखे फर्स्ट वो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जहाँ कंपनी बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती है तो एक साल की वैलिडिटी का एक प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी उसमें कंपनी एक ही प्रॉस्पेक्ट्स में बार बार इशू कर सकती है ऑफर ला सकती है बट अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई मटेरियल चेंज है कोई एसेट पर न्यू चार्ज क्रिएट हुआ है या कोई फाइनेंशियल पोजिशन में चेंजेस है तो हम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करेंगे फिर हमने हम के पहले करते, जहां हमको प्राइस और क्वान्टिटी नहीं पता है कि कितनी सिक्योरिटी तीन दिन पहले हम रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे जब रेज होता है कैपिटल उसके बाद जब पता चल जाता है कि किस प्राइस पे क्लोज हुआ और कितना कैपिटल रेज हुआ तब हम लोग प्रोस्पेक्ट में सारे डिटेल्स मेंबर्स को बताएंगे उसके बाद अगर रेटायरिंग प्रोस्पेक्टस और जो बाद में प्रोस्पेक्टस इशू किया दोनों में वेरिएशन है एंड तो वो वेरिएशंस को हाईलाइट करना है और अगर कोई एप्लीकेंट वो वेरिएशन देख के बाद में नहीं जाता है कि वो सिक्योरिटी परचेज करे तो वो विड्रॉ कर सकता है विद इन सेवन डेज बट राइटिंग में देना पड़ेगा फिर अब्रीज प्रोस्पेक्टस देखा यह समरी प्रॉस्पेक्टस था क्या बोला है कि जब भी कंपनी फॉर्म फॉर द पर्चेज ऑफ सिक्योरिटी दे रही है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रीज प्रॉस्पेक्टस हमेशा जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या था कि जब भी कंपनी सिक्योरिटी अलॉट कर रही है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हाथ में जा रहा है दैट विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस और उसको प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन लग जाएंगे नाउ वट इज शेयर शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस शेयर मतलब क्या कि जो कंपनी का कैपिटल है हमने उसको नंबर ऑफ इनडिविजिबल यूनिट्स में एक फिक्सड एक फिक्सड अमाउंट निकालने के लिए डिवाइड किया तो मतलब पर शेयर हमको प्राइस आ गया शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट वेर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड अब शेयर्स होल्ड करता है मतलब ओनर है कंपनी का उसको हम शेयर होल्डर बोलेंगे और उसने जो कंपनी को कैपिटल दिया जो रिस्क उठा रहा है उसके अगेंस्ट कंपनी उसको रिटर्न में डिविडेंड पे करती है सो so, जो कंपनी फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर होल्डर को पे करती है दैट विल बी कॉल्ड एस डिविडेंड अब सेक्शन नंबर फोर्टी फोर बात करता है कि नेचर शेयर का नेचर क्या है शेयर कंपनी के जो शेयर्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है मतलब हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर इज अनडाउटली मूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेम वे इन विच अ बेल ऑफ क्लॉथ और अ बैग ऑफ वीट इज मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हम उसको इजिली ट्रांसफर कर सकते सेल करते सच कमोडिटीज मतलब जो हमने देखा बैग ऑफ वीट ये बाय लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं है बट शेयर इन अ कंपनी बिलोंग्स टू टोटली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन नेचर एंड इट कंसिस्ट मेयरली ऑफ अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लीगेशंस अब काइंड्स ऑफ शेयर सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन वन बात करता है कि शेयर कैपिटल को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या दिया है ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है फिर उसके दो टाइप्स वन इज इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स और दूसरा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अब है इक्विटी शेयर में तो देखा कि इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल कैरिंग अ प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंशियल कैपिटल वो कैपिटल है जहां हमको प्रेफरेंशियल राइट right मिल रहा है राइट ओवर वॉट डिविडेंड पेमेंट अ फिक्सड अमाउंट अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्सड रेट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं एक तो डिविडेंड पेमेंट या तो फिक्सड अमाउंट या एट द फिक्सड रेट सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स और फिर दूसरा रीपेमेंट कि अगर वाइंडिंग अप है या कंपनी का लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उस केस में जो पेड अप शेयर कैपिटल है तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा उनका कैपिटल हम पहले पे करेंगे उसके बाद कुछ बचा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे दैट मीन्स प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैव टू तो प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स वन इज डिविडेंड पेमेंट एट फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर्स के क्या टाइप्स है क्यूमिटिव पहला क्या है क्यूमिटिव मतलब क्या अगर हमने कभी डिविडेंड पे भी नहीं किया तो भी वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा फॉर एग्जांपल एक साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया सेकेंड ईयर जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी को पहले साल का और दूसरे साल का साथ में पे करना पड़ेगा कैरिड फॉरवर्ड अंटिल स्पेसिफाइड एंड आई पेड ओनली एट द एंड ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड फिर नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोला है अपोजिट ऑफ क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंट्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर प्रॉफिट में से हम पे करेंगे अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो अर इयर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगे ओवर टू बी पेड एट द एंड ऑफ द टर्म देर आर नो अर इयर्स जो हमको बाद में पे करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव में क्यूमुलेटिव होते जाता है वो कि दो साल पे नहीं किया तो तीसरे साल तीनों साल का पे करना है बट नॉन क्यूमुलेटिव में अगर दो साल पे नहीं किया तो दैट इज ओके बट तीसरे साल प्रॉफिट है तो तीसरे साल सिर्फ तीसरे साल का पे करो अब रिडीमेबल रिडीमेबल मतलब क्या उनका पैसा उनको वापस कर देना रिडीम कर देना रिडीम कप कर सकते आफ्टर अ फिक्स पीरियड या आफ्टर गिविंग अ ड्यू नोटिस नॉन रिडीमेबल अब नॉन रिडीमेबल शेयर्स मतलब क्या कि कंपनी उनको रिडीम नहीं करेगी मतलब दे आर नॉट रिडीमेबल कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी बट कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक हम उसको रिडीम नहीं करेंगे बट वाइंडिंग अप के टाइम पे हम उसको रिडीम कर सकते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस क्या होते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि एक टाइम के बाद अगर तुम चाहे तो तुम इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हो नहीं तो हम तुमको रिडीम कर देंगे नॉन कन्वर्टेबल मतलब कभी भी तुम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या सच शेयर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन एडिशनल प्रॉफिट इनके पास राइट right है कि वो कंपनी के एडिशनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर मतलब एक बार हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया इक्विटी को पे किया उसके बाद कुछ एडिशनल प्रॉफिट है सर है तो फिर वो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ भी शेयर करेंगे दैट इज पार्टिसिपेटिंग अब नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है कि पोजेस एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट या सरप्लस गेन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तो इनके पास कोई पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा राइट नहीं है तो हमने एट टाइप्स देखे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव रेडिमेबल इ कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग अब अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाई कंपनी सेक्शन थर्टी नाइन नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड टू दब्लिक शाल बी मेड नो अलॉटमेंट अनलेस कंडीशन है क्या अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस मिनिमम अमाउंट हैज़ बिन सब्सक्राइब्ड एंड सम पेबल ऑन एप्लीकेशन सो स्टेटेड हैज़ बिन रिसीव दो कंडीशन है पहला क्या कि जो प्रोस्पेक्टस में हमने मिनिमम अमाउंट दिया था ये इतना मिनिमम अमाउंट तो भी सब्सक्राइब होना चाहिए उतना अमाउंट सब्सक्राइब हुआ है और दूसरा जो भी एप्लीकेशन मनी था एप्लीकेशन मनी पेबल हैज़ बिन रिसीव्ड by द कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब अलॉटमेंट की दो कंडीशन है पहले तो मिनिमम अमाउंट विच हैज़ बिन सब्सक्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस उतना मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब हुआ है और दूसरा जो समेबल था उन द एप्लीकेशन की जो भी कैपिटल सब्सक्राइब होने वाला है उसका एप्लीकेशन मनी था विच वॉज पेबल हैज़ बिन पेड एंड रिसीव्ड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिसफाइड है एंड दिया है मतलब बोता बोता टू बी सटिसफाइड दोनों सेटिसफाई होने के बाद कंपनी अलॉटमेंट करेगी सिक्योरिटीज का अंडर सेक्शन थर्टी नाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अब अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल शेयर का प्राइस है हमारा हंड्रेड रुपीज तो एप्लीकेशन मनी शल नॉट बी लेस देन फाइव परसेंट मतलब एप्लीकेशन मनी पाँच रुपए से नीचे नहीं हो सकता है शल नॉट बी लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ये जो हमारा नॉमिनल अमाउंट है उसके फाइव परसेंट से कम नहीं हो सकता एप्लीकेशन मनी और सच अदर परसेंटेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द से बी या कोई और परसेंटेज से बी टाइम टू तो टाइम स्पेसिफाई करेगा इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बिन सब्सक्राइब अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज रिसीव विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज पहले तो मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ और सम पेबल इज नॉट रिसीव विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू और सच पीरियड तो उस केस में हम वो अमाउंट को रिटर्न कर देंगे अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ या अप्लीकेशन मनी नहीं मिला विद इन थर्टी डेज तो जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसको हम रिटर्न कर देंगे वेर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलाटमेंट ऑफ सिक्यूरिटी इट शैल फाइल विद रजिस्टर रिटर्न ऑफ अलाटमेंट जब भी कंपनी अलॉटमेंट कर रही है तो रजिस्ट्रार को हम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देंगे इन द फॉर्म पी ए एस थ्री कंपनी रजिस्ट्रार को पी एस थ्री में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देगी विद इन डेज फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट अंडर सब सेक्शन या फोर अगर इसमें कोई डिफॉल्ट है कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी अब यहां पेनल्टी है कितना वन थाउजेंड रुपी फॉर इच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और वन लाख विच एवर इज लेस तो पेनल्टी क्या है हमारा

कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन स्पेसिफाइज द रूल्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स मतलब कैसे होगा इशू पहले हम प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे फिर हमको अप्प्लीकेशंस रिसीव होंगे देन विल अलॉट द शेयर्स ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं तो पहले इशू ऑफ शेयर्स उसमें हम क्या देखेंगे सबसे पहले मनी टू बी पेड टू द पेड बाय सब्सक्राइबर्स कैन इवन बी कलेक्टेड बाय कंपनी इन इंस्टॉलमेंट इफ इट विशेज तो सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है तो हम सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे प्रॉस्पेक्टस इज लाइक एन इन्विटेशन टू ऑफर पब्लिक को हम ऑफर कर रहे हैं कि यू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी इनविटेशन टू ऑफर है प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रीवियस या बैलेंस शीट पी एंड एल एक्सेट्रा फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद नॉर्मली uh, लोग उसको देखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं फिर प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पे वो एप्लीकेशन देते तो कंपनी को भी एप्लीकेशन मिल रहा है एप्लीकेशन जब भी शेयर होल्डर देता है मतलब हुआ विलिंग टू बाय द शेयर्स वो लोग एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करेंगे

उन शेयर होल्डर्स को देंगे जिनको एक्चुअल में शेयर अलॉट हुए अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन द कंपनी एंड एप्लीकेंट पहले था इन्विटेशन टू ऑफर फिर हमने शेयर होल्डर्स ने ऑफर किया कि हमको सिक्योरिटी दो फिर कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया कैसे शेयर्स अलॉट करके तो अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट में देखा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट विच इज एनफोर्स बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट अब सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स मतलब शेयर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच एक्ट्स एज एन एविडेंस कि जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे इज द ओनर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी जिसका भी नाम है इज द होल्डर और ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर द पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स फिर डिटेल्स क्या क्या रहेगी शेयर सर्टिफिकेट में नेम ऑफ द इशूइंग कंपनी फॉर एक्जाम्पल एक्स वाई जेड लिमिटेड फिर कंपनी का सेम रहेगा कुछ तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ओनर ऑफ द शेयर नेम नेम ऑफ द ओनर ए फोलियो नंबर ऑफ द मेंबर उसका फोलियो नंबर जो भी होगा फिर उसने कितने शेयर्स लिए क्या प्राइस पे किया और उसके शेयर्स का नंबर ये सारे डिटेल्स शेयर सर्टिफिकेट पर मैंशन रहेंगे अंडर सेक्शन फोर्टी सिक्स शेयर सर्टिफिकेट का सेक्शन है फोर्टी सिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के बाद अब बोर्ड मीटिंग इज कॉल फॉर डिसाइडिंग अबाउट अलॉटमेंट फिर बोर्ड असाइन कमिटी ऑफ डायरेक्टर होना अलॉटमेंट कमेटी अलॉटमेंट के टाइम पे बोर्ड एक अलॉटमेंट असाइन करेगा अलॉटमेंट कमिटी वुड देन डिसाइड वॉट डिसाइड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फिर रजिस्टर ऑफ मेबर्स कंपनी सेक्रेटरीपेयर्स रजिस्टर ऑफ मेबर कंपनी सेक्रेटरी मेम्बर्स का रजिस्टर प्रिपेयर करेगा द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट शीट्स रजिस्टर ऑफ मेबर प्रोवाइड इफार्मेशन अबाउट द शेयर होल्डर एंड डिटेल्स ऑफ शेयर विचर अलॉटेड टू दे रजिस्टर में हम शेयर होल्डर के बारे में इंफॉमेशन मेंटेन करेंगे और उसको कितने शेयर्स अलाट हुए अब अलॉटमेंट के बाद एक अलॉटमेंट कमेटी आई फिर उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी ने रजिस्टर में डिटेल्स मेंटेन किए अब शेयर सर्टिफिकेट का प्रिंटिंग चालू होगा शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट हो गए प्रिंट होने के बाद रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रॉपरली आई है तो जो भी डिटेल्स है अगर सब प्रॉपर है तो फिर हम उस शेयर सर्टिफिकेट को डिस्पैच कर देंगे टू तो द दे शेयर होल्डर्स कंपनी सेक्रेटरी नीड टू इंफॉर्म शेयर होल्डर्स दट शेयर सर्टिफिकेट्स आर रेडी एंड वुड बी डिलीवर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अलाटमेंट लेटर एंड बैंक रिसट कन्फर्मिंग पेमेंट ऑफ अलाटमेंट मनी पब्लिक नोटिस शुड बी इशूड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेम्बर अब डिस्पैच होने हो गए अब उसके बाद वो मेम्बर्स को मिल जाएंगे कंपनी मेक्स एन डिफॉल्ट इन द प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर सर्टिफिकेट कि अगर शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड किसी प्रोविजन में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है सच कंपनी वुड बी पनिशेबल विद ट्वेंटी के लिए फाइन है ट्वेंटी एक्सटेंड टू फाइव लैक और ऑफिसर इन डिफॉल्ट उसके लिए क्या है पनिशेबल विद लेस देन टेन थाउजेंड बट विच में एक्सटेंड टू वन लैख अगर तुमने शेयर सर्टिफिकेट के रिलेटेड प्रोविजन नहीं कंप्लाई किए तो ये पेनाल्टी है अब है शेयर होल्डर्स एंड वोटिंग राइट्स जनरली वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल टू तो इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉर्मली वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं द बेसिस फॉर नॉट ओ लाइन शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम राइट क्यों नहीं देते दे? क्योंकि एनी उनका जो पोजिशन है वो सिक्योर्ड है अबव इक्विटी है तो उनको कोई वोटिंग का राइट right हम नहीं देंगे बट कुछ केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग का राइट right मिलता है सेक्शन 47 सेवन सब सेक्शन टू बोलता है एवरी कंपनी एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है जहां शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट right मिलेगा कब जब कंपनी के सामने रिजोल्यूशन पास हो रहा है किसी चीज़ का विच विल अफेक्ट द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब जो रिजोल्यूशन का टॉपिक है उसके वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट right पे अफेक्ट आएगा तो उस केस में हम उनका भी वोटिंग लेंगे या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे ऑफ और द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोई वाइंडिंग अप रिलेटेड रिजोल्यूशन है या प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल रीपे हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का या इक्विटी का तो वहां भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलेंगे

ऑफ़ बोथ वेदर डिविडेंड इज नॉट पेड जहाँ दो साल या दो साल से ज़्यादा तक हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया तो फिर वो हर रिजोल्यूशन पे वोट कर सकते शाल हैव हाँ अ राइट टू तो वोट ऑन ऑल रिजोल्यूशन नॉर्मली वो कब वोट कर सकते जहाँ पे उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे या तो कंपनी का वाइंडिंग अप है या कैपिटल का रीपेमेंट रिडक्शन है और वोटिंग शलमेन प्रपोर्शन टू तो द तो पेड अप शेयर कैपिटल अब क्या बोला है कि अगर दो या दो साल से ज्यादा तक उनको डिविडेंड पे ही नहीं किया तो फिर दे कैन दे हैव द राइट टू वोट ऑन ऑल द रिजोल्यूशन प्रेफरेंट शेयर होल्डर्स सेक्शन फोर्टी सेवन वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स सेम डी विद अगर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का सेक्शन देखें तो वो एटी सेवन था एग्जामेशन ये जो फोर्टी सेवन सेक्शन टू देखा शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी वेर एम ओ ए सो so, प्रोवाइड्स ये प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्शन मिल जाएगा अगर स्पेसिफिकली एमओ में प्रोवाइड किया है कि हम प्रेफरेंट होल्डर्स को ऐसे वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का सेक्शन है फिफ्टी बिफोर वी सी दिस विल क्विकली गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन फर्स्ट ट्रांसफर क्या है कि शेयर हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेल कर रही है शेयर्स मतलब ए हो गया हमारा ट्रांसफरर बी हो गया ट्रांसफरी मतलब दिस इज वॉलेंटरी या डिलिब्रेट एक्ट कि एक खुद के शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती थी ट्रांसफरर है वो बी को ट्रांसफर करती है ऑन वॉलेंटरी बेसिस ट्रांसमिशन क्या है ट्रांसफर इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ जहाँ ट्रांसफ़र थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ है नो वट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ कि किसी की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाएगा अब ये

एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर यहाँ एक ट्रांसफर डीड बनेगा एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा बट ट्रांसमिशन में इट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तो कोई ऐसे डीड बनाने की जरूरत नहीं है ट्रांसफर इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी नॉर्मली बिजनेस जैसे एक पार्टी दूसरे को सेल कर रही है वैसे ट्रांसफर हो गया ट्रांसमिशन कब होता है जब कोई किसी की डेथ हो गई कोई इंसॉल्वेंट हो गया तब मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल ट्रांसफर के केस में कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन होता है क्योंकि एक पार्टी दूसरी को सेल कर रही है मतलब कंसिड्रेशन रहेगा बट ट्रांसमिशन के केस में विदाउट कंसिड्रेशन होता है स्टैंप ड्यूटीज पेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय होल्डर यहाँ जब ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी पेबल है मतलब वहाँ स्टैंप फिक्स होता है बट यहाँ ट्रांसफर डीड ही नहीं है तो कोई स्टैम्प ड्यूटी पेबल नहीं है ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफरर की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है नाउ ट्रांसफर इज लाइबल ट्रांसमिशन में शेयर कंटिन्यू टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ओरिजिनल लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी पहले की थी अब वो यहाँ दूसरे की कंटिन्यू रहेगी अब देखते हैं कि सेक्शन 56 क्या बोलता बोल है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज क्या बोला है कंपनी नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर नहीं रजिस्टर करेगी और द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल अदर देन है कब नहीं करेगी एज अ होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द रिकॉर्ड अनलेस अनलेस क्या बोला है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर डीड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैंप्ड डेटेड एक्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर ट्रांसफरी कि तुमने प्रॉपर ट्रांसफर डीड स्टैम्प किया है उसको डेट क्या है एग्जीक्यूट किया है जिसपे हम स्पेसिफाई कर रहे ने, हैं नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरी और ये हमने कंपनी को डिलीवर किया मतलब कौन डिलीवर करेगा यादव ट्रांसफर या ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे जब तक तुम एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को मतलब ट्रांसफर डीट को स्टैम्प करके डीट करके साइन करके कंपनी को सबमिट नहीं करते एंड दिस शुड बी डिलीवर टू द कंपनी विथ इन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी विथ सर्टिफिकेट अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो तुमको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना पड़ेगा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज लॉस्ट और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है विदिन द प्रिक्राइब टाइम तो उसकेस में अलॉटमेंट सर्टिफिकेट सबसे पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन अब ट्रांसमिशन केस में हमने बोला था ट्रांसफर ही डे है तो हमको सबसेक्शन वन नहीं लगेगा इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और सारे राइट ड्यूटी ट्रांसफर हो जाएंगे इट विल बी ट्रांसमिटेड बाई द ट्रांसफरी बाय द पर्सन जो कंसर्न मतलब हमारे केस में लीगल हेयर असाइनी ऑफिशियल असाइनी एंड सो ऑन वेर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन कि ट्रांसफरर ने कोई एप्लीकेशन बनाया एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड शेयर्स अगर पार्टली पेड शेयर्स है पार्टली पेड शेयर का ट्रांसफर है तो कंपनी क्या करेगी ट्रांसफरी को एक नोटिस देगी कि उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि पार्टली पेड शेयर है मतलब लाइबिलिटी ट्रांसफरी के पास आने वाला है और फिर ट्रांसफरी को नो no ऑब्जेक्शन देना है कंपनी को विद इन टू मंथ्स टू वीक्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस कि कंपनी जाके ट्रांसफरी को बोलेगी कि शेयर्स तो पार्टली पेड है तो इज दर एनी ऑब्जेक्शन फिर ट्रांसफरी को जब भी वो नोटिस मिला कंपनी का उसके टू वीक्स के अंदर खुद का नो no ऑब्जेक्शन देना है आफ्टर दैट एवरी कंपनी शैल अनलेस प्रोहिबिटेड और बाय प्रोविजन कंपनी डिलीवर करेगी सर्टिफिकेट इन वॉट टाइम अब पीरियड दिया है शेयर सर्टिफिकेट अगर इनकॉर्पोरेशन से देखा तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करते उनको टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए फिर अगर नॉर्मली अलॉट कर रहे हैं शेयर्स शेयर्स ऑफर किए थे एप्लीकेशन हुआ था अलॉटमेंट है तो नॉर्मली टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अब अगर यहाँ पे सिक्योरिटी का हो रहा है वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसफर के केस में वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और अगर डिबेंचर है तो सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट डिबेंचर के केस में सिक्स मंथ्स प्रोवाइडेड दैट सिक्योरिटीज आर डेल्ट विद इन डिपॉजिटरी अगर डिपॉजिटरी के थ्रू है मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ऊपर के जो लिमिट्स देखे थे वो फिजिकल फॉर्म में थे कि शेयर सर्टिफिकेट कब डिलीवर होगा टू मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट वन मंथ ट्रांसफर के केस में सिक्स मंथ्स डिबेंचर के केस में अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर अगर डिपॉजिटरी है तो इमीजिएटली वहाँ शेयर सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं आता है वहां कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता है ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ डिसीज पर्सन इन कंपनी मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल इवन इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट होल्डर बी वैलिड इफ यू हैड बीन द होल्डर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर अब इसमें अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो कंपनी इज पनिशेबल कंपनी बी पनिशेबल फॉर अ फाइन ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बट विच में एक्सटेंड टू फाइव लैख और ऑफिसर ऑफ एक्सटेंड टू वन लैख अगर ट्रांसफिशन की कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई करने में कोई है तो विदाउटी एंड एक्ट वेर एनी डिपोजिटिट पार्टिसिपेंट विद एन इंटेंशन टू डिड अ कस्टमर यासन उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अब है पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेडअप कैपिटल सेक्शन सिक्सटी बात करता है पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेडअप कैपिटल किसी भी नोटिस एडवर्टाइजमेंट या अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन या बिजनेस लेटर बिल हेड लेटर पेपर में कोई स्टेटमेंट है ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल तो फिर उसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे एक और स्टेटमेंट होना चाहिए क्या इन अ इक्वल प्रोमिनेंट पोजिशन सेम इक्वल प्रोमिनेंट पोजिशन और इक्वल कॉन्सपिशियस कैरेक्टर मतलब उतनी ही इक्वल प्रोमिनेंट पोजिशन और उतने ही साइज ऑफ़ कैरेक्टर इक्वल कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर में हमको अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब और पेडअप भी मैंशन करना है जहाँ भी तुम जिस भी कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ऑथोराइज कैपिटल मैंशन करोगे वहाँ तुमको सब्सक्राइब कैपिटल और अमाउंट पेडअप भी मैंशन करना है अगर इसके कंप्लाइंस में कोई डिफॉल्ट है तो कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनाल्टी ऑफ टेन थाउजेंड एंड एवरी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट शल बी लाइबल टू अ पेनाल्टी ऑफ फाइव थाउजेंड कंपनी ऑफिसर सेक्शन सिक्सटी का पेनल्टी है ये अब बाय बैक ऑफ शेयर बाय बैक मतलब क्या शेयर रिपर्चेस करना कंपनी खुद के शेयर्स फिर से रिपर्चेस कर रही है नॉर्मली इसको हम एक कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं जहाँ कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट हो गया है तो कंपनी खुद के शेयर्स को बाय बैक कर दिए मेथड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल की कंपनी खुद के शेयर कैपिटल को कैंसिल कर लिए इट रीड्स टू रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एज अपोज टू द इशू ऑफ कैपिटल विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज मतलब इशू करने से तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है रिडक्शन करने से कैपिटल कम हो जाएगा अब प्रोविजन ऑफ सेक्शन प्रोविजन ऑफ बाय बैक अंडर सेक्शन 68 68 टॉक्स अबाउट बाय बैक कि बाय बैक के लिए पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का एओए ऑथराइज करता है क्या बाय बैक इफ़ नॉट देन यू हैव टू अल्टरेट जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन फिर कंपनी बाईबैक करेगी कंपनी एक बार में ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा बाय बैक नहीं कर सकती है बोर्ड एक बार में फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा विदाआउट शेयर होल्डर्स परमिशन बाय बैक नहीं कर सकता है अगर सेक्शन सिक्सटी एट के कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई करने में डिफॉल्ट हुआ है तो कंपनी शैल भी पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन वन लैख विच में एक्सटेंड टू तो थ्री लैक बाय बैक के केस में अगर लिस्टेड कंपनी तो उसको से के प्रोविजन रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और एवरी ऑफिसर हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिफॉल्ट तो ऑफिसर के लिए है years, और उसके लिए फाइन है वन लाख रुपीज और कंपनी के केस में वन लाख से थ्री लाख अब डिविडेंड डिविडेंड क्या है इट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग अप द रिस्कनी का प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को अलोकेट करे दैट इज डिविडेंड सेक्शन टू सबसे थर्टी फाइव ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस डिविडेंट एस डिविडेंड इंक्लूड्स इंट्रिम डिविडेंट क्या बोला है डिविडेंड इंक्लूड्स इंट्रिम डिविडेंट बट डिविडेंट का मीनिंग क्या है कि कंपनी का जो कैपिटल है उसके अगेंस्ट कंपनी जो प्रॉफिट है उसका कुछ शेयर उसका कुछ सरप्लस शेयर होल्डर्स को दे रही है दट इज डिविडेंड प्रॉफिट का कुछ शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना टू द शेयर होल्डर दैट इज डिविडेंड और इंट्रीम डिविडेंड क्या है डिविडेंड नॉर्मली ईयर एंड में एजीएम में डिक्लेयर होता है बट इंट्रीम डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर करता है बिटवीन टू ए दैट इज इंट्रीम डिविडेंट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंट मैक्सिमम प्रॉफिट दैट लॉ अलाउज अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या मैक्सिमम प्रॉफिट जो लॉ कंपनी को अलाउ करता है टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंट और बाद में प्रॉफिट से डिरेक्ट कंसिडर शुड भी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंट मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तो मैक्सिमम जो लॉ अलाउ करता है और डायरेक्टर कंसिडर करेंगे कि रिजर्व में कितना डालना है प्रोविजन फॉर लॉसेज वो सब कंसिडर करने के बाद जो डिविडें दैट इज अवेलेबल फॉर डिविडेंट अब कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स इन द इवेंट ऑफ एडिकुएसी और एबसेंस ऑफ प्रॉफिट कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस अगर इन एडिक्यूसी है या तो प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेगी कंपनी पिछले सालों के जो सरप्लस थे उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन यहाँ इन एडिक्यूसी होना चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर इन द थ्री इयर्स मतलब पिछले तीन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे जिस रेट पे हमने डिविडेंड दिया था उसका एवरेज लो तो जो भी एवरेज रेट है उससे ज़्यादा इस साल हम डिविडेंड नहीं दे सकते मतलब पिछले साल पिछले तीन साल अगर मैंने टेन फिफ्टीन और टेन ऐसा डिविडेंड दिया था मतलब कितना हो गया थर्टी ओके एक थर्टी सिक्स मतलब इस साल हम ट्वेल्व से ज़्यादा यहाँ हमने एवरेज निकाला ट्वेल्व परसेंट से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शल नॉट अप्लाई टू कंपनी जहां कंपनी ने पिछले तीन साल डिविडेंट ही नहीं दिया तो इस साल तो एवरेज का कोई सवाल ही नहीं आता जीरो 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 मतलब एवरेज इज ऑल्सो जीरो तो हम इस हल्प नहीं दे सकते टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमेटेड प्रॉफिट जो भी हम अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं मतलब पिछले सर प्लस में से एक्यूमलेटेड प्रॉफिट में से शल नॉट एक्सीड वन टर्न ऑफ द सर्म ऑफ पेड अपेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज अपियरिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल सेटलमेंट ऑफ समेयर इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोला है कि जितना अमाउंट हम अक्यूमलेटेड प्रॉफिट से निकाल रहे हैं दैट शुड नॉट वन टेंथ किसका वन टेंथ पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पेड़ अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का टोटल लो फॉर एग्जांपल वन फिफ्टी उसका वन टेंथ वन बाय टेन मतलब फिफ्टीन फिफ्टीन रुपीज़ से ज़्यादा तुम निकाल नहीं सकते बट वैसे भी हम टेन ट्वेल्व परसेंट देना चाहते अगर हंड्रेड है तो ट्वेल्व परसेंट दट इज ट्वेल्व रुपीज़ तो कि दिस इज पॉमिसबल ट्वेल्ल इज विध इन द लिमिट ऑफ फिफ्टीन अमाउंट्स और ड्रॉ इन शैल फर्स्ट भी यूटीलाइज टू सेट ऑफ द लॉस जो भी अमाउंट ड्रा किया पहले तो उस साल के लॉसिस सेट ऑफ करो फॉर एग्जाम्पल फोर रुपीज़ का लॉस था तो पहले तो फोर कम हो जाएगा फिफ्टीन में से मतलब अब तुम नाइन ही दे सकते हो इलेवन दे सकते हो बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शाल नॉट फॉल विद इन परसेंट ऑफ पेड अब शेयर कैपिटल इन द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियलमेंट ये टेन परसेंट निकालने के बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व फिफ्टीन परसेंट से नीचे नहीं आना चाहिए फिफ्टीन परसेंट ऑफ पेड अब शेयर कैपिटल नो कंपनी शाल डिक्लेयर डिविडेंड फॉर प्रीवियस लॉस एंड अप्रिसिएशन इन द प्रीवियस ईयर आर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ करेक्टर मतलब पिछले साल के प्रीवियस लॉस और डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं किया है तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते उसको सेट ऑफ़ करने के बाद इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट है तो उसमें से हम डिविडेंट डिक्लेयर करेंगे एंड देन विल पे इट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर सेक्शन टू सबसेक्शन थर्टी डिफाइन्स डिबेंचर्स टू सबसेक्शन थर्टी ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन डिबेंचर्स एज डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट और नॉट डिबेंचर मतलब क्या स्टॉक बॉन्ड या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के ऊपर डेट है मतलब कंपनी जब वो ऑफर कर रही है इट इज लाइक अ डेट टू दूंशन टू कन्वर्टेंचर कन्वर्टेबल हो सकते हैं रिडम्शन की अगर रिडम्पन के टाइम पर तुम चाहो तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो अदरवाइज विल रिडीम इट बट विच शैल बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही तुम कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर सकते हो टू मीन कंपनी

एज अ चार्ज यूज करेंगे विल क्रिएट अ चार्ज ऑन बी सफिशियंट फॉर जब भी रीपे करेंगे रिडीम करेंगे तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर विथ इंटरेस्ट इतने अमाउंट का एसेट हमको यूज फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज अब है अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगी बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर फॉर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले या लेटर ऑफ उफ ऑफर इशू करने के पहले कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्ट अपॉइंट करेगी एंड नॉट लेटर देन सिक्सटी डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एग्जीक्यूटिव डिबेंचर ट्रस्ट डीड मतलब अलॉटमेंट के सिक्सटी डेज के अंदर नॉट लेटर देन सिक्सटी डेज मतलब क्या विद इन सिक्सटी डेज विद इन सिक्सटी डेज डिबेंचर ट्रस्ट का ट्रस्टी का काम है कि वो डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी विदिन सिक्सटी डेज फ्राम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाएगा फिर चार्ज मॉडेज इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर बाय वे ऑफ चार्ज और मॉडेज शाल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी ऑन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी नॉट बिंग इन द नेचर ऑफ प्लेज Or any specific immovable property wherever situated or any interest therein. Specific movable property of the company not being in the nature of pledge, yeah, any specific immovable property wherever statute or any interest therein. So let's again quickly go through the synopsis. हमने क्या देखा प्रमोटर सेक्शन टू सिक्सटी नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट प्रमोटर वो इंसान है जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में मैंशनड है या प्रॉस्पेक्ट्स में जो कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है या ऑन हुज एडवाइस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कस्टम्ड टू एक्ट उसके ड्यूटीज लाइबिलिटीज फिर प्रॉस्पेक्टस उसके टाइप्स देखे थे शेल्फ प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस और फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन थे थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री एंड ट्वेंटी फाइव फिर देखा था शेयर मीनिंग काइंड, इक्विटी एंड प्रेफरेंस इक्विटी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट सेम वोटिंग राइट फिर सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट अलॉटमेंट में टू कंडीशंस थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फिर इशू ऑफ शेयर शेयर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स रहेंगे सेक्शन फोर्टी सिक्स फिर उसका टाइम देखा था टू मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट टू मंथ्स फ्रॉम टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट सब्सक्राइबर के केस के में टू फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिर ट्रांसफर के केस में वन मंथ डिबेंचर केस में सिक्स मंथ्स फिर पब्लिकेशन ऑफ ऑथरेशन कि प्रोमिनेंट पोजिशन में सेम साइज़ में हम लोग को जहाँ ऑथोराइज कैपिटल पब्लिश किया है वहीं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी पब्लिश करना पड़ेगा बाय बैक सेक्शन सिक्सटी एट की कंपनी खुद के शेयर्स को बाय बैक कर सकती है डिविडेंड देखा था सेक्शन टू थर्टी फाइव डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड फिर डिबेंचर देखा था कि कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है विच विल बी लाइक अ डेट टू द कंपनी फिर कंपनी उसको रिडीम करेगी विद इन द टाइम सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक थैंक यू